किया सोनेट फेसलिफ्ट 2024 फाइनली लॉन्च हो गई है और इस गाड़ी की कीमत सामने जो आई है बड़ी ही लाजवाब है। किया ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, यहाँ पर 7,99,000 रुपए से सोनेट फेसलिफ्ट की प्राइसिंग स्टार्ट कर दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ट्रेंडलाइन। वेरिएंट वाइज प्राइसिंग डिस्कस करेंगे। 3 इंजन ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है आपको स्मार्ट स्ट्रीम। 1 लीटर का 3 सिलेंडर आपको इसमें टर्बो इंजन मिल जाता है, TGDI पेट्रोल इंजन। और तीसरा 1.5 लीटर का CIDI डीजल इंजन दिया गया। तो 3 इंजन ऑप्शन है। टॉप एंड लाइन की बात करें तो एक्स लाइन टॉप वेरिएंट आता है, फिर GT लाइन आता है उसके नीचे, और इनके बेस वेरिएंट्स आते हैं। गाड़ी के अंदर काफी कुछ नया है इस बारी, जैसे कि ADAS लेवल 1 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और साथ ही साथ व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये सब कुछ स्टैंडर्ड हो गया है। ADAS लेवल 1 आया, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। बोस के 6 स्पीकर सब ऊपर आपको मिल जाते हैं। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट्स की तरफ जाना शुरू करेंगे, यानी कि GT लाइन एक्स लाइन की तरफ आप जाएंगे, तो वहां पर आपको बोस के 6 स्पीकर मिलते हैं। लुक्स काफ़ी सुंदर हो गए हैं अगर आप देखें तो। अभी जो गाड़ी ज़्यादा चौड़ी दिखने लगी है, ज़्यादा बोल्ड लगने लगी है। अब प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं वेरिएंट वाइज की, किसकी कितनी प्राइसिंग है। अगर आप स्मार्ट स्ट्रीम G1.2 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। 7,99,000 रुपये से शुरू होता है और 9,89,900 रुपीज़ तक जाता है, यानी कि लगभग 9,90,000 रुपये तक जाता है, जो कि टॉप एंड ट्रिम है STK प्लस। तो 3 ट्रिम आपको मिलते हैं 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के अंदर, जो कि आप कह सकते हैं इस तरीके से बेस मॉडल वहाँ से शुरू हो जाता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। वहीं पर अगर हम टर्बो इंजन के बारे में बात करें तो TGDI जो इंजन है इनका 1 लीटर का, इसके अंदर आपको IMT और 7 DCT ये 2 तरह के ट्रांसमिशन मिलेंगे। IMT के बारे में बात करूं तो STK प्लस से ये शुरू होता है, 10,49,000 रुपये कीमत है, और STX प्लस तक जाता है 13,39,000 रुपये, यानी कि 13,40,000 रुपये तक जाता है। आई थिंक ये अगर आप IMT ले रहे हो और आप मैनुअल की माइलेज चाहते हो और ऑटोमेटिक कंफर्ट चाहते हो, तो IMT इज़ अ गुड ऑप्शन। आप ये STX प्लस वाला 13,40,000 रुपये वाला वेरिएंट ट्राई कर सकते हो, लगभग 15 लाख रुपये ऑन रोड में आपको ये मिल जाएगा। वहीं पर आप DCT की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको 12,29,000 रुपये से शुरू होता है STX वेरिएंट, और एक्स लाइन जो टॉप एंड वेरिएंट है वो 14,69,000 रुपये का है। यहाँ पर जो मिड वेरिएंट है GTX का वो 14,49,900 रुपये का है। आपको मैं बताऊँ, इसमें मेरे को ज़्यादा फायदा लगता है कि अगर आप एक्स लाइन ही ले लीजिए तो देखिए 20,000 रुपये का फर्क है, वो 14.5 लाख रुपये का है, 14,70,000 रुपये का है। लेकिन जो एक्स लाइन ट्रिम है वो टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है, और ऑलमोस्ट दोनों के अंदर फीचर वैसे सेम ही है, ज़्यादा नहीं है। बट एक्स लाइन में आपको एक अच्छा बेहतरीन मैट ग्रे कलर भी मिल जाता है, एंड थोड़े बहुत चेंजेस आपको एक्स लाइन के अंदर बहुत हल्के माइनर चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। वैसे मोर और लेस दोनों GT लाइन और एक्स लाइन सेम है। अगर आपको कलर चाहिए तो बेसिकली 20,000 रुपये वो मैट फिनिश के कलर का फर्क है। इसके बाद अगर हम आएंगे तीसरे ऑप्शन पे, जो कि डीजल ऑप्शन है, इसके अंदर आपको 3 तरह का ट्रांसमिशन मिल रहे हैं, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड का AT ट्रांसमिशन, और आपको साथ में 6 स्पीड का IMT ट्रांसमिशन मिल रहा है। बहुत बेहतरीन बात यह है कि जो लोग डीजल गाड़ियों के दीवाने हैं और छोटी डीजल गाड़ी लेना चाहते हैं तो मात्र 9,79,000 से इसकी प्राइसिंग शुरू हो जा रही है। तो यानी कि अगर आप ऑन रोड की बात करो, 980 की अगर गाड़ी है तो लगभग आपको 11 लाख रुपए ऑन रोड पर ये गाड़ी मिल जाएगी। डीजल सोनेट आपको मिल जाएगी STE में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो उसका टॉप एंड जो वेरिएंट है वो STX प्लस है, 13,69,000 रुपये का वहाँ पर आता है, यानी कि लगभग 15 लाख रुपये में आपको इसका भी डीजल का मैनुअल का डीजल का टॉप मिल जाएगा। IMT की तरफ जाएंगे आप तो वहाँ पर 12,59,900 रुपये से शुरू होता है डीजल वेरिएंट, और STX और STX प्लस 2 ट्रिम्स इसके अंदर आते हैं। STX प्लस जो है वो 14,39,000 का है, यानी कि 14,40,000 रुपये के आसपास ये आपको पड़ता है। और वहीं पर आप ऑटोमेटिक लेने जाते हैं तो 12,99,000 रुपये से आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है STX के अंदर, यानी कि 13 लाख रुपये शुरू होता है। तो मोटे मोटे तौर पर 14.5 लाख रुपये ऑन रोड प्राइसिंग इसकी पड़ेगी। GTX प्लस की बात करें तो 15,49,000 रुपये का है ये, और एक्स लाइन की बात करें तो 15,70,000 रुपये का। तो यानी कि अगर आप बिल्कुल टॉप एंड ले लोगे डीजल 680 टॉप एंड, तो एक्स लाइन 15,70,000 रुपये, तो रफली इसमें हम और 1.5-1.5 लाख रुपये जोड़ दें तो 16-17 लाख रुपये, 17.5-17 लाख रुपये में टॉप एंड मॉडल आपको सोनेट का मिल जाएगा। तो प्राइसिंग बहुत ही कॉम्पिटेटिव, बहुत ही अच्छी है। और अगर मैं अभी इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करूँ, 4 गाड़ियाँ ब्रेजा, वेन्यू, नेक्सॉन और सोनेट, इन चारों को अगर कंपेयर कर ले, चारों ही लीडर है अपने अपने सेगमेंट, अपनी सेगमेंट में, मतलब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं गाड़ियों को। तो मोटी मोटी बात यह है कि यहाँ पर सोनेट लीड करती है। फ्रेश प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है, मज़ेदार है। आपको कौन सा ट्रिम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कर लो। आप सवाल हो किसी भी ट्रिम से रिलेटेड, आप कॉमेंट कर पूछ सकते हो, मैं जवाब आपको दे दूंगा। बाकी सोनेट आ गई, मुबारक हो। किया वालों को भी, आपको भी लेनी हो तो लीजिएगा ज़रूर, अच्छी गाड़ी है, ऐसी कुछ में शिकायत आपको नहीं मिलेगी। ठीक है जी, मेरा नाम मानव है, गाड़ी जब भी चलाए सीट बेल्ट जरूर लगाए, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद।